हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम माइक्रोमैक्स सुपर इलेक्ट्रॉनिक विनिंग सेल की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देख रहे हैं आप, पोल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पोल है। और ये देखिए 16x16 इंच का जो है प्लेटफॉर्म साइज है इसका। और ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं, इंडिकेटर को हम बाहर निकाल देते हैं और आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देते हैं। और पहले देखिए फ्रंट साइड से देख लीजिए, अब चारों तरफ साइड से घुमा के आपको दिखा देते हैं इंडिकेटर। माइक्रोमैक्स सुपर इस कंपनी का नाम है। और देखिए इसका ये है प्लेटफॉर्म, इसको देखिए ऊपर का ये बेस कहलाया जाता है, ये प्लेटफॉर्म है ऊपर का। और ये 16x16 इंच का है। और ये देखिए फ्रेम है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। और इसके बीच में जो है लोड सेल लगा हुआ है। और ये देखिए वायर है, कनेक्टर है जो कि लोड सेल का है, और इसको हम साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए इसके व्हील है जो कि बेस में लगाए जाते हैं। और ये इसकी बैक ग्रिल है जो कि ऊपर से लगाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम आपको फिट करके दिखाएंगे। पोल है ये, और ये देखिए इसका ये कनेक्टर है जो कि इंडिकेटर में लगाया जाएगा। और ये लोड सेल की वायर है। और ये आप जो होल देख रहे हैं यहीं पर जो है बैक ग्रिल लगाई जाएगी। और ये बोल्ट है जिसमें जो है पोल फंसाया जाएगा। और ये अभी हम यहाँ पर बैक ग्रिल को लगाएंगे। और ये आपको बीच में लोड सेल दिखा देते हैं, आप लोड सेल को देख रहे हो। तो ये लोड सेल मैं आपको बता दूँ 300 kg का लोड सेल है। और 150 kg तक आप इसमें जो है वेट डालकर तोल सकते हो। और 150 kg से लेकर के 200 kg तक आप इसमें कुछ भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम व्हील लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेम में हम व्हील लगा देंगे, ये पूरा इसका बेस है, बेस कह सकते हो, या आप इसको फ्रेम भी कह सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे इसको आप कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर चारों व्हील लगा दिए हैं बढ़िया करके, टाइट करके, और बैलेंस बना रहे इस तरीके से लगा दीजिए। और ये देखिए इसकी बैक ग्रिल है, अब बैक ग्रिल को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसमें बोल्ट से टाइट करके बढ़िया करके जो है टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको अगर ये रिंगिंग स्किल पसंद आए या अच्छा लगे तो आप इसको रीजनेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो आपने नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको पेमेंट एडवांस करनी होगी और इसके बाद ही आपको जो है डिलीवरी मिल पाएगा। तो ये देखिए कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम काट लेते हैं। अब इसके अंदर हम पोल के अंदर वायर डालेंगे, बाहर से ही नहीं लगाएंगे। इस कांटे में जो है कोई होल वगैरह नहीं दिया था, हमने होल किया हुआ है इसमें ड्रिल मशीन से। तो अब देखिए इसके अंदर हम पोल के अंदर पहले तार डाल लेंगे। ये फिशिंग वायर है, फिशिंग वायर को हमने पोल के अंदर डाल लिया जिससे कि हमारी वायर जो है आसानी से अंदर चली जाए। उससे अगर हम वैसे डालेंगे तो नहीं जाएगी, बीच में मुड़ जाएगी, लेकिन हमने फिशिंग वायर लगा दी है और आगे से टेप से बांध दिया है। अब इसको धीरे धीरे हम खींच लेंगे इस तरीके से, देखिए हम खींच रहे हैं। और नीचे से थोड़ा धक्का मारते रहेंगे, धक्का नहीं मारोगे तो वो कट आएगा, और कटनी नहीं चाहिए नहीं तो बीच में से खुल भी जाएगी ज़बरदस्ती खींचेंगे। तो ये देखिए हमने बाहर निकाल लिया है वायर, ये 4 वायर रहते हैं इसमें, रेड, ग्रीन और जो है ब्लैक कलर की वायर रहती है, 4 वायर इसके अंदर रहती हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर पोल को यहाँ पर टाइट कर लेंगे, बढ़िया करके टाइट कर लेंगे, क्योंकि हिले डुले ना, हिलेगा डुलेगा तो सही नहीं रहेगा। तो हमें बढ़िया करके टाइट कर लेना है यहाँ पर। इसमें जो है 13 नंबर की चाबी लगेगी, तो 13 नंबर की चाबी से हम जो है यहाँ पर इसको टाइट कर लेते हैं। इसको डी स्पाना कहते हैं, 13 नंबर का डी स्पाना। तो डी स्पाने से बढ़िया करके टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा भी लूजिंग ना रहे, लूजिंग रहेगी तो ये हिलता डुलता रहेगा। तो अब देखिए हमने वहाँ पर टाइट कर लिया, यहाँ पर एक गांठ मार लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, इससे कि हमारी वायर जो बाहर ना खींचे। नीचे से देखिए इस तरीके से, आप चाहो तो नीचे भी एक गांठ मार सकते हो जिससे कि अंदर ज़्यादा ना जाए और खींचे ना। अब देखिए हम इसका इंडिकेटर लगा देते हैं, ये कि 7 सेगमेंट इंडिकेटर है, इसमें जो है 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले है ये। और ये देखिए हमने दोनों बोल्ट इसके खोल लिए हैं। अब पोल पे इस तरीके से देखिए लगाएंगे, इस तरीके से टाइट कर देंगे, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर तो आप कोई भी कर सकता है इस काम को। तो इस तरीके से देखिए हम फिट कर लेंगे, और वही 13 नंबर की चाबी लगेगी इसमें, 13 नंबर की चाबी लगा के इसको हम टाइट कर लेंगे। पहले अपने हाथों से जितना टाइट कर सकते हो आप टाइट कर लीजिए, अब 13 नंबर की चाबी लगाएंगे इसमें हम।
तो 13 नंबर की चाबी लगा के अब इसको हम जो है टाइट कर देंगे, बढ़िया करके टाइट कर देंगे, इसकी हिले डुले ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कनेक्टर काटा था तो वहाँ पे अब जो हमारे वायर बची है उस वायर को छील लेंगे। और ये देखिए कनेक्टर है हमारे पास, 4 4 पिन का कनेक्टर है, इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। ये फोर हेड जो है आगे से पतली वाली जो है स्क्रू ड्राइवर लगता है, तो इस तरीके से देखिए पहले हम इसका बैक कवर लगा देंगे और अंदर डालने के बाद फिर इसमें एक वायर होती होती है सपोर्टिंग वायर, इसको काट के वो बेकार होती है वायर, तो इसे जो उसका जो इंसुलेशन जो है मुलायम ही रहता है, आप अपने नाखून की वजह से भी छील सकते हो। तो देखिए अब छीलने के बाद इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं, हमारे पास सोल्डरिंग है तो इसको सोल्डरिंग कर लेंगे, इससे कि चिपकने में आसानी रहे। तो अब देखिए हमारे पास जो पुरानी वाली हमने काट दी थी तो उस वायर को एक एक करके छुड़ा के और इसी तरीके से इसमें वायर लगा देंगे जो उनसे जिसमें लगी थी, इससे कि आसानी रहेगा। वैसे तो इसमें जो काम करता है उसको अंदाज़ा आ जाता है कौन सी वायर कहाँ लगेगी, आगे नंबर भी पड़े रहते हैं कनेक्टर में, तो अंदाजे से ही नहीं लगाते हैं इसको, जब आप काम करोगे एक्सपीरियंस आएगा तब इसको आप लगा सकते हो, वैसे नहीं लगा सकते हो। तो इसमें देखिए छोटा सा पेच है, इसको हम लगा देंगे और इसको भी टाइट कर देंगे, थोड़ा लूजिंग ना रहे, थोड़ा सही से लगा दें। और देखिए यहाँ पर हम अब इस 4 पिन कनेक्टर को लगा देंगे, यहाँ पर देखिए हमने 4 पिन कनेक्टर को लगा के बढ़िया करके इसको भी टाइट कर दिया है। तो अब हम देखिए हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विंगिंग स्केल बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म रख देंगे। अभी मैंने बताया था 16x16 स्क्वायर इंच का जो है प्लेटफॉर्म है, तो अब इसमें यानी कि 400 mm स्क्वायर जो है इसका प्लेटफॉर्म का साइज है। यहाँ पर देखिए स्विच है, इस स्विच में जो टेप लगा होता है इससे कि खुले ना, पैकिंग में जब आता है तो यहाँ पे हम टेप छुटा के इसको ऑन कर देंगे। तो ये नंबर देख रहे हो, नंबर थोड़ा आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन वो भाग नहीं रहे हैं, वो इल्यूजन की वजह से हो रहा है, लेंस का इल्यूजन होता है, इस चक्कर में हो रहा है। तो हम 2 किलो का बाट रखेंगे तो इसमें देखिए 10 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो हम इसको सेटिंग करेंगे। देखिए मोड प्लस प्लस एम प्लस मोड को दबा के वहाँ पर एंटर लेके आएंगे, एंटर में फिर देखिए 2000 लिखेंगे, 2 किलो का वेट है हमारे पास, तो 2000 मतलब 2 किलोग्राम 2 किलो हो जाएगा और 2000 ग्राम हो जाएगा वो। तो देखिए अभी भी 10 ग्राम आगे पीछे दिखा सकता है, ये जो है 150 kg में सेट है, 200 kg में सेट है, लेकिन 150 kg का है वैसे ही, मैंने उसको 200 kg में सेट किया हुआ है, तो 10 ग्राम से अभी ये चल रहा है, तो 10 ग्राम आगे पीछे हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 10 ग्राम से कुछ नहीं होता है, तो 10 ग्राम आगे पीछे हो सकता है और 10 ग्राम सही भी दिखा सकता है। ये देखिए सही दिखा रहा है, तो आगे या पीछे 10 ग्राम हो सकता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कभी कभी हवा ही चल जाती है या कुछ भी हो जाता है तो इस वजह से आगे पीछे होने लगता है। तो ये देखिए इसकी प्रोग्रामिंग है, आपको प्रोग्रामिंग दिखाते हैं, यहाँ पे NF2 है और आगे देखिए डिस 155.2 है और स्पीड है ये 132 और ये ऑटो 03 है और यहाँ September 1st है और कैपेसिटी 1st है जो कि 150 kg पर सेट है, आप देख सकते हो, और इसको आप चाहो तो बड़ा घटा भी सकते हो। ये डिस 4 है और ये FD10 है, यानी कि ये 10 ग्राम से चल रहा है और ये लीटर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लीटर वगैरह सेट कर सकते हो। और आगे देखिए L0 है, इसको आप L0 ही रहने दीजिए और FL0 है और यहाँ पे देखिए हमने आपको प्रोग्रामिंग भी दिखाती है, तो आई होप फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद है।